हम लोग के सेवा में एकदम हाजिर रहते हैं वो लोग है जो कि लोग अपने महायज्ञ में ना अपना पूरा पूरे मन से ना यहाँ पे अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और ये हमारे शिव महाकाल और पार्वती जी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं बनकटवा, जो कि रक्सौल से सीतामढ़ी के बीच में पड़ता है। बनकटवा मोतिहारी जिला में पड़ता है। तो यहाँ पे हो रहा है महायज्ञ, श्री विष्णु महायज्ञ हो रहा है। तो आप सभी को अभी बैक कैमरा करके दिखाते हैं, उधर दिखाइए कि यहाँ पे महायज्ञ हो रहा है। तो दोस्तों ये तो महायज्ञ का एंट्री गेट है, अभी चलिए अंदर आपको महायज्ञ का व्यू दिखाते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है दुर्गा मंदिर जो कि बहुत फेमस है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं महायज्ञ देखने, महायज्ञ की तरफ। तो आपके जानकारी के लिए बता दे कि दोस्तों अगर आप लोग भी यहाँ पे घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जयमूर्ति नगर हॉल्ट में उतरना होगा और लोकल ट्रेन पकड़ के आना होगा सीतामढ़ी से या रक्सौल से। तो चलिए चलते अभी आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी महायज्ञ का व्यू। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए और डटे रहिए। तो दोस्तों ये जो आपको दूर देख रहा है ये है महायज्ञ का दूसरा गेट जो कि पंडाल टाइप बनाया गया है। तो ये एंट्री गेट है और अभी और भी आपको अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों टाइम ना 12 एक बजे से ज़्यादा हो गया है, मतलब अभी 12 बज चुका है। तो मेला में भीड़ काफ़ी कम हो चुका है और अभी ना मतलब आज फर्स्ट डे था और आज के डेट काउंटिंग करें तो आज 12 मार्च हो जाएगा 12 बजे के बाद। तो फिर आज सेकेंड डे हो जाएगा इस महायज्ञ का। तो अभी आपको मेला के अंदर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेला में आप लोग जैसे ही पहले एंट्री कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी को ये जो सामान वगैरह बिकता है या शॉपिंग वगैरह जो लेडीज लोग कर सकते हैं और मीना बाजार ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस सब का व्यू देखिए। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा लाइव मतलब अभी हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं मतलब तो ज़्यादा जल्दी अपडेट चाहते हैं हमारे बारे में तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं ना तो पहले इंस्टाग्राम पे ही फ़ोटो पोस्ट करते हैं। तो वहाँ पे फॉलो आप लोग ज़रूर से कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये सभी मतलब शॉपिंग वगैरह का दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मीना बाज़ार है और मीना बाज़ार में तो आपको पता ही है कि हर एक माल 15 रुपये होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 12 एक टाइम बज चुका है और ये रात्रि का टाइम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मौत के कुआं और ब्रेक डांस झुलुआ और टावर वाला झुलुआ है सभी चीज़ आया हुआ है। हालांकि रात्रि का टाइम है तो इसलिए आप सभी को कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। 12 एक बज चुका है इसलिए ये सब क्लोज हो चुका है। और उधर देखिए वो है डेंगी वाला झुलुआ, वो है ट्रेन गाड़ी वाला झुलुआ। तो ये सभी ना दिन रहता ना तो फिर अच्छे से दिखाई देता, या कुछ देर पहले वीडियो बनाए होते तो फिर अच्छे से दिखाई देता, लेकिन रात का टाइम हो चुका है। तो अभी हम आपको यहाँ का दिखाते हैं भागवत कथा वाला स्थल जहाँ पे भागवत कथा हो रहा था। और भागवत कथा हो रहा था तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा था इसलिए बोल नहीं पाते, इसलिए अभी आपको हम आवाज वगैरह बंद होने के बाद दिखा रहे हैं। ये दोस्तों ये देख सकते हैं ये भागवत कथा स्थल है इस महायज्ञ का। यहाँ पे कथा भी होता है और कृष्ण जी का रास लीला भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना अगर आप लोग आते हैं तो डेली 7 से 10 होता है, शाम को 3 घंटे होता है। और अभी हम आपको मरवा दिखाते हैं इस महायज्ञ का। तो दोस्तों आपको दूर से ही दिखाई दे रहा होगा वो रहा मरवा। ये देखिए दोस्तों ये है महायज्ञ का मरवा, विष्णु महायज्ञ का,
जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है मरवा, और हर महायज्ञ में एक ना एक मरवा होता है। इसको हम आपको राउंड राउंड घूम के दिखाते हैं गोल गोल, और इसको चक्कर भी लगाना है, 5 चक्कर। अगर आप लोग आते हैं तो चक्कर लगा सकते हैं। अगर आप लोग सीतामढ़ी से आते हैं या रक्सौल से आते हैं या दरभंगा से या मुजफ्फरपुर से कहीं से भी आते हैं तो आप लोकल गाड़ी पकड़ के आइएगा और जय मूर्ति नगर हॉल्ट पे उतर जाइएगा। तो दोस्तों ये रहा पूरी की पूरी मरवा, और इसका हम एक फोटो भी ले लेंगे। तो अभी आपको अंगद का दर्शन करवाते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं अंगद है, और जो रामायण में रावण वाला सीन हुआ था अंगद के साथ, वो वाला सीन है। तो दोस्तों ये अंगद है, और देख सकते हैं कि ये हमारे बिहार पुलिस जो हम लोग के सेवा में एकदम हाजिर रहते हैं वो लोग हैं, जो कि ये लोग अपने महायज्ञ में ना अपना पूरे मन से ना यहाँ पे अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं, अपने सुरक्षा के लिए, मतलब हम लोग के सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग आइए तो मेला में घूमिए, और जैसे सर लोग बोले ना वैसे मतलब आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन सर लोग के माथे पे रहता है कि आप लोग का सुरक्षा कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये महायज्ञ में ना एक एक मूर्ति बना हुआ है, और सबका नाम भी लिखा हुआ है। ये है जनक जी, और ये है सीता माता जी, और ये है लक्ष्मण जी, और ये है श्री राम जी, और ये है श्रवण कुमार, और ये है श्रवण कुमार के पिताजी, और वो श्रवण कुमार के माता जी है, और इधर हमारे माँ सरस्वती है बिना वाली, और ये है कार्तिक जी, और ये है लवकुश। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये वाल्मीकि जी है, जो कि रामायण का रचयिता है, और ये ब्रह्मा जी है, और ये राधा कृष्ण जी है, और ये दुर्गा जी है। दोस्तों बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरी भगवान का ना मूर्ति बना हुआ है। ये है हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी, और ये है हमारे काली माता जी, और ये है गणेश जी, और ये देख सकते हैं ये है लक्ष्मी जी। उधर भगवान विष्णु जी के साथ भी लक्ष्मी जी है, और इधर सिंगल में भी लक्ष्मी जी का मूर्ति बनाया हुआ है। और ये इंद्रदेव जी है, ये सूर्यदेव जी है, और ये हमारे शिव महाकाल और पार्वती जी है। और दोस्तों इधर देखिए ये हमारे मूर्तिकार श्याम पंडित का, अगर इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इनका नंबर लिख लीजिए, और नंबर लिख के ना इनसे संपर्क कर सकते हैं मूर्ति बनवाने के लिए। अगर आपके इधर भी कोई महायज्ञ वगैरह हो या किसी भी त्योहार पे फेस्टिवल पे मूर्ति बनवाना हो, तो एक कृष्ण जी है और पुतना है, और ये हमारे संतोषी माता है, और दोस्तों ये है नारद जी, और दोस्तों ये है सुदामा जी, और दोस्तों ये है शनिदेव, और ये है हमारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और ये है राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित कुमार। दोस्तों मेरा भी नाम रोहित है, तो मेरा टाइटल है रोहित प्रजापति। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये है तारा रानी, और ये है बुढ़ी माता और बुढ़ा पिता, मतलब कि जो रियल लाइफ में दिखाया जाता है उसके लिए बुढ़ी माता बुढ़ा पिता है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि उनके बेटा बहुत ही शराबी है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी के घर पे कोई भी शराब वगैरह पीता है, या अगर आप लोगों में से भी कोई नशा करते हैं तो नशा ना किया करें, क्योंकि ये सब सेहत के लिए हानिकारक होता है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बजरंगबली हनुमान जी, जो कि हमेशा राम जी के सेवा में उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं इनका कितना बड़ा मूर्ति बनाया गया, बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया। और दोस्तों अब भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये तो जिस बाजार पे महायज्ञ हो रहा है ना, यहाँ पे जिम वगैरह करने के लिए दिया गया है। तो अभी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप आते हैं तो खाने पीने का भी व्यवस्था है। तो कहाँ है
चलिए दोस्तों अभी वो वाला जगह, और दोस्तों ये देख सकते हैं एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर में ना अगर आप लोग इस महायज्ञ में आते हैं तो इस महायज्ञ में ना इसी मंदिर के अंदर कैंपस में ना आपको दूर दूर से आए लोगों के लिए खाने पीने का व्यवस्था है, और यहीं पे सीताराम का नाम का जप हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी बताइए कि आप सभी को ये महायज्ञ का नजारा कैसा लगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय टाटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद दोस्तों।